अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं होंगे बिकॉज़ मैंने पिछले वीक का व्लॉग अपलोड नहीं किया, क्योंकि इस वीक में होने लगा था थोड़ा सा एडवेंचर। सो आई थॉट कि क्यों ना मैं एक ही व्लॉग अपलोड करूँ जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो। व्हाई नॉट। सो या वेलकम टू दिस व्लॉग, और वी आर गोना गो टू नारायण कागान, लूलूसर लेक, बाबूसर टॉप एंड सैफल मलुक। सो या स्टे ट्यून्ड। बेसिकली 3 days पे डिवाइडेड है, तो आई एम गोना अपडेट यू अकॉर्डिंगली, सो स्टे ट्यून्ड। हेलो हेलो। तो मेरा सफ़र गॉट स्टार्टेड ऑन थर्सडे, जो कि ऊबर से स्टार्ट हुआ था। ऊबर में मैं गई थी अपने पिकअप पॉइंट पे, और जाते हुए मुझे बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल डर लग रहा था, क्योंकि बहुत ही अर्सा हो गया मैंने ऊबर यूज़ नहीं किया, और इसके बारे में मैंने बड़ा कुछ सुन लिया था। तो आई वॉज स्केयर्ड, लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सही सलामत। देन अपने पिकअप पॉइंट के बाद मैं कोस्टर में बैठ गई, और उसके बाद हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया, और वहाँ पर मैं बड़ा रिलैक्स्ड हो गई थी। फिर हम लोग रुके थे भेरा इंटरचेंज पे, जहाँ पे सब रुकते हैं, ठीक है जनाब। और वहाँ पे कोई बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल का रश था, कोस्टर्स ही कोस्टर्स थी। अपेरेंटली जितने भी ट्रिप्स हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के हों, प्राइवेट हों, वो सब के सब थर्सडे को डिपार्ट करते हैं, तो इस वजह से कोई बहुत ही रश था, कोस्टर्स पे कोस्टर्स चढ़ी हुई थी इस तरह से। नाश्ता हमने किया था बालाकोट में, ठीक है, जिसका नाम मैंने बड़ी मुश्किल से बोला है, और ये था रिवर कुन्हार के पास, ठीक है। एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम था लालाजर रेस्टोरेंट, यहाँ पे हमने किया था अपना नाश्ता, और उसके बाद फिर हमने दोबारा से कंटिन्यू किया था। ओह माय गॉड, डक्स, यहाँ डक्स हैं और नीचे लोग खेल रहे हैं पानी में। ओके, सो वी स्टेड हेयर लालाजर रेस्टोरेंट, जिसका नाम मैंने छुपा दिया छाते के पीछे। ओके, सो दिस वाज द रेस्टोरेंट जहाँ हम रुके। हमने दोबारा कंटिन्यू करना है उसी रोड पे। बेसिकली वी वर सेइंग गुड बाई टू लालाजर रेस्टोरेंट। कुन्हार रिवर तो खैर हमारे साथ ही रहना था काफ़ी देर तक, लेकिन लालाजर को बाय बाय करना था। हमने नाश्ता किया था रिवर कुन्हार की साइड पर, जो कि जगह थी बालाकोट एग्जैक्टली, और वहाँ पर नाश्ता करने के बाद हम लोग जा रहे थे नारायण की तरफ, और रास्ते में ये रिवर कुन्हार हमारे साथ 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 जा रहा था, और मौसम बहुत ही लेवल का था, लाइक थोड़ा चिली हो गया था, तो फिर हमें अच्छा लग रहा था, क्योंकि लाहौर में तो बहुत ज़्यादा ही कोई नेक्स्ट लेवल गर्मी थी, तो या दैट वॉज़ गुड। मॉर्निंग में 11 बजे हम किवाई वाटरफॉल्स पहुंचे थे, और वहां के सीन कुछ यूं थे। हेलो हेलो, ओके, लेट मी शो यू समथिंग दैट आई लव टू मच। दिस इज
is what we call Kiwai waterfall, and I love it because of this cold freaking water. Also, मैंने पाँव पे nail polish नहीं लगाई थी और अब मैं regret कर रही हूँ कि लगाई होती तो oh my my. बेसिकली यहाँ पे आपको वो लोग बैठने नहीं देते ज़्यादा देर, तो वो आपको ऊपर ऊपर भेजते जाते हैं, लाइक अगले पे चले जाएँ, अगले पे चले जाएँ. तो ऐसे करते करते हम बिल्कुल टॉप पे चले गए थे, और जो टॉप थी वहाँ पर कोई भी मना नहीं करता था बैठने से. तो यस, वी स्ट्रगल्ड. लुक हाउ ब्यूटीफुल, वो पानी पी रही है. क्यूट बेबी, क्यूट. नजारे चेक करें, बस नजारे. वो रही हमारी सवारी. उफ अल्लाह, कितनी दूर है. अभी हम जा रहे हैं. Then we got stuck at Batakundi. और वहाँ पे क्या हुआ था कि ट्रिपलिंग कर ली थी उन्होंने, अपनी लेंस को फॉलो नहीं कर रहे थे और तीन तीन लेंस बना ली थी, जिसकी वजह से हम फंस गए थे. और इसी दौरान मैंने दोस्ती कर ली. हेलो हेलो कर दो. हाय. And the kids were getting along, तो मैं भी उनके साथ ही लग गई थी. तो yes, बड़ा मज़ा आया. फाइनली काफ़ी मेहनत के बाद हम लोग जो है नरान पहुंच गए, और नरान में कोई सीक्रेट डैम भी बन रहा था. तो या दैट वाज सस्पिशियस.
नारायण बाज़ार का जो स्टार्ट था वो थोड़ा सा ख़राब था, क्योंकि वहाँ पर एक दो दिन पहले फायरिंग हुई थी, प्लस वो लोग वहाँ की जो रोड्स थी उनको भी थोड़ा खुला करना चाह रहे थे, जिसके लिए उन्होंने वहाँ पर जितनी भी शॉप्स थी, मार्केट्स थी, उनको बंद कर दिया था। तो स्टार्ट थोड़ा सा रफ था, लेकिन उसके बाद जैसे ही बाज़ार में आप एंटर होते हो तो वो बिल्कुल वैसे ही था जैसे पहले हुआ करता था। उसके बाद अपने होटल में जाने से पहले वी हैड बट कढ़ाई फ्रॉम नारायण बाज़ार, जो कि बड़े मज़े की थी, तो लेवल हो गया था। देन वी रीच्ड आवर होटल, जहाँ पे जाके हमने बड़ा आराम किया था, क्योंकि हमने कोई 24 आवर्स की ट्रैवलिंग की थी, तो उसके बाद दैट वाज मच नीडेड। सो या दैट्स द नेक्स्ट व्लॉग दैट इज कमिंग अप, सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।